हाय गाइस, आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ प्लाजो पैंट की स्टिचिंग। इसकी कटिंग की वीडियो का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने इसकी कटिंग की हुई है। तो जिसके लिए हमें पहले दोनों पल्लों, हमारे जो चारों पल्ले हैं उनको लेना है और उनका जो आसन है उसको ज्वाइंट करना है। जो हमारे फ्रंट वाले हैं वो दोनों पल्ले ज्वाइंट करने हैं आपस में, उनका आसन ज्वाइंट करना है और जो बैक है उनका। तो यहाँ पे अगर आपको पॉकेट की भी कटिंग चाहिए तो उसकी कटिंग की वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम अपना जो आसन है उसको कैसे स्टिच करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको दोनों आसन को मिलाते हुए रखना है, छोटा बड़ा बिल्कुल भी ना हो। जो आगे वाले दोनों आसन है उनको रखना है और जो पीछे वाले दोनों हैं इस तरीके से रखेंगे और आधा आधा इंच का गैप रखते हुए यहाँ पे हम इसको स्टिच करेंगे दोनों आसन को। यहाँ पे मैं आप लोगों को मार्क करके भी दिखा दूंगी कि कैसे आप स्टिच करेंगे, जिससे कि इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है और इसका फटने का डर नहीं रहता। तो यहाँ पे मैं दो सिलाई लगाऊंगी, आप देख सकते हैं इस तरीके से आधे आधे इंच का गैप रखते हुए मैं यहाँ पे इसको स्टिच करूंगी। तो दोनों पार्ट्स पे मैंने इस तरीके से हल्का हल्का सा ड्रॉ कर दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। और इसके बाद ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूंगी। मैं यहाँ पे दो सिलाई लगाऊंगी क्योंकि ये जो आसन का एरिया होता है वो फटने का डर रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे आप इस तरीके से दो सिलाई लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जो प्लाजो है या प्लाजो पैंट है जो भी है वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी हो और उसका फटने का डर ना रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दो सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से मैं दोनों प्लाजो में इसी तरीके से अपना जो बैक पार्ट का है उसके भी दोनों आसन को ज्वाइंट कर लूंगी अच्छे से। दो ही सिलाई लगाते हुए इसको भी मैं ज्वाइंट करूंगी, जैसे आप लोगों को दिख रहा है सेम ऐसे ही से हमें ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे सेम तरीके से मैंने दो सिलाई लगा ली। उसके बाद इस तरीके से हम जो कपड़ा आया है हमारा उल्टी साइड में उसको इस तरीके से करते हुए फोल्ड करेंगे और यहाँ पे मैं एक सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से अगर हम सिलाई लगाते हैं तो हमारा जो प्लाजो पैंट है वो फिनिशिंग के साथ रेडी होता है। तो इस तरीके से मैं सिलाई लगा लूंगी दोनों पार्ट्स पे और एक मैं ऊपर के साइड में, मतलब कि सुल्टी साइड में भी मैं एक सिलाई लगाऊंगी। तो जैसे आप लोग को दिख रहा है सेम ऐसे ही अगर आप भी अपने प्लाजो पैंट को स्टिच करते हैं तो बहुत अच्छे से रेडी होता है और इसके फटने का डर नहीं रहता है। सो अगर आप ना भी चाहें तो आप नहीं भी डालिएगा, अगर आपको ज़्यादा झंझट लगता है तो आप नहीं डालिएगा, बट ये ठीक रहता है इसीलिए मैंने यहाँ पे डाली है। इसके बाद मैं इसको सीधा करूँगी और सीधे साइड में भी दोनों पार्ट्स में एक एक सिलाई में यहाँ पे लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद ये देख सकते हैं आप कि हमें जो हमारा प्लाजो का साइड है उसकी साइड में इस तरीके से दोनों पार्ट्स रख लेने हैं और साइड वाले पार्ट्स में इस तरीके से आधा आधे इंच का गैप रखते हुए हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। अगर आप नीचे अपनी जो पोचे हैं उसमें कट डालना चाहते हैं तो कट डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे कट नहीं डालूंगी इसीलिए मैंने सीधी सिलाई डाली है। अगर आप कट लगाना चाहें तो हल्का सा कट इसमें डाल सकते हैं, तो उसकी वीडियो पहले ही मैंने अपलोड की हुई है मेरे चैनल पर, आप लोगों को मिल जाएगी। तो उसके लिए अगर आप देखना चाहें तो चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। और इस तरीके से इसको सीधा हम सिल देंगे। तो जो मेरा पॉकेट वाला साइड था उसको भी मैंने यहाँ पे सिल लिया है। तो इसी तरीके से बहुत इजीली आप प्लाजो पैंट घर पे ही अपने आप से स्टिच कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। और दोनों पार्ट्स को मैं इसी तरीके से, दोनों साइड्स के पार्ट्स को इसी तरीके से मैं ज्वाइंट कर दूंगी। यहाँ पे मैं एक एक सिलाई लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो दो दो सिलाई लगाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बारीक सिलाई लगाई है। अगर आप पक्की सिलाई मैंने यहाँ पे लगाई है, अगर आप कच्ची करते हैं तो आप दो सिलाई लगा सकते हैं, बट मैंने एक ही लगाई है। और इसके बाद आप सुलटा करके भी यहाँ पे एक सिलाई लगा सकते हैं, बट मैंने नहीं लगाई। सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको पसंद है तो लगाइएगा, मुझे नहीं पसंद थी तो मैंने नहीं लगाई है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। देखिए मैंने दोनों साइड्स में लगा लिए। अब इसके बाद यहाँ पे पोचे का जितना आपको पोचा रखना है उसके ऊपर आप यहाँ पे इस तरीके से, ये देख सकते हैं इस तरीके से मैं फोल्ड कर दूंगी। फोल्डेड में भी दो ऑप्शन होते हैं, अगर आप चाहें तो इसको तुरपाई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें दो सिलाई लगा सकते हैं, ऊपर नीचे दो सिलाई लग जाएगी तो उससे भी बहुत अच्छे से रेडी होता है। तो मैं यहाँ पे दो ही सिलाई लगाऊंगी, तुरपाई नहीं करूंगी, आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और बाकी आप लोग बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो इसी तरीके से मैं दोनों पोचे फोल्ड कर लूँ।
सो इस तरीके से मैंने पोचो को कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने प्लाजो पे निशान भी ड्रॉ कर लिया है। मैंने पोचे जो है वो मैंने 5.5 के समथिंग, 6 के समथिंग आप रख सकते हैं, तो मैंने 6 के समथिंग यहाँ पे रखे हैं। और उसके बाद जो हमारे थाई का होता है तो उस मार्क को आपको यहाँ पे लगा लेना है, और जो हमारे पैर के बीच का साइड होता है उस साइड का भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जितना भी आपका आता है उतना आपको नापना है और उसके बाद फिर आपको लगाना है, उससे इजी रहता है। और ज़्यादा अगर आप टाइट चाहते हैं, फिटिंग का चाहते हैं, तो आप फिटिंग में लगाइएगा बिल्कुल, बट मैंने यहाँ पे ज़्यादा फिटिंग में नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादा फिटिंग का करते हैं तो उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल रखा है। आप जैसे भी चाहें रख सकते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मैं इसको स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। तो ये आप इसका लुक देख सकते हो गाइस, इस तरीके का कुछ हमारा जो प्लाजो पैंट है वो रेडी हुई है। और जब खिड़की के नीचे इसको डालेंगे तो और भी अच्छा लुक देने वाला है, तो अभी मुझे केवल आप लोगों को दिखाना था। सो इसीलिए आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और अगर आपको इसकी बेल्ट का वीडियो भी देखना है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, तो आप लोगों को मेरे चैनल पर बेल्ट की जो वीडियो है वो भी मिल जाएगी कि बेल्ट कैसे स्टिच करते हैं। डबल साइड में भी मिल जाएगी और सिंपल भी मिल जाएगी। तो अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नहीं।